क्या आपके या आपके किसी परिचित के दांत में कीड़ा लगा है? क्या आपका दांत इतना दर्द करता है कि ना तो आप ठीक से खा पा रहे हैं और ना ही ठीक से मुस्कुरा पा रहे हैं? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। स्वागत है आपका आस्तिक हेल्थ केयर की दुनिया में। दोस्तों, दांत हमारे शरीर और जिंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, क्योंकि हमारे शरीर को काम करने के लिए खाने की जरूरत होती है और हमें खूबसूरत दिखाई देने के लिए सुंदर दांतों की जरूरत होती है। बिना खाने को ठीक तरह से चबाए हम खाना नहीं खा सकते, इसलिए दांत हमारे जिंदगी में एक अहम एक इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। यदि हमें किसी भी प्रकार का दर्द हो तो ना तो हम अच्छे से खा सकते हैं और ना ही अच्छे से हंस सकते हैं। हमें ये शंका भी रहती है कि ज़्यादा खुलकर हंसने से कहीं किसी को हमारे दांत के अंदर लगा कीड़ा ना दिख जाए। तो स्वस्थ रहने के लिए हमारे शरीर में स्वस्थ दांतों का होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए दांतों को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखने के लिए समय समय पर उनकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी होता है। दिन में या रात में चॉकलेट खाने के बाद, रात को खाना खाने के बाद ब्रश नहीं करते, जिसके कारण हमारे दांतों में कीड़ा लगना शुरू हो जाता है और इसके साथ ही धीरे धीरे दर्द होना भी शुरू हो जाता है। शुरू में तो कीड़ा छोटा होता है, ना ही वो आसानी से दिखाई देता है और ना ही उसमें कोई दर्द होना शुरू होता है, लेकिन कुछ ही समय में दांत में लगा कीड़ा भी बड़ा होने लगता है और दर्द भी शुरू होने लगता है। अगर आपके साथ भी यही सब हो रहा है और आपने तरह तरह के उपाय करके देख लिए हैं लेकिन फिर भी आपको कोई आराम नहीं मिल रहा है, तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसा घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं जिसके मात्र एक या दो बार के इस्तेमाल से आप अपने दांत में लगे कीड़े निकाल सकते हैं और अपने दांत के दर्द को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एक या दो बार इसका इस्तेमाल और हो जाएगा आपके दांत से आपका कीड़ा बाहर, ये हमारा आपसे वादा है। तो चलिए जानते हैं कि वो उपाय क्या हैं और इसको कैसे बनाते हैं। इसको बनाने के लिए जो आवश्यक सामग्रियां चाहिए वे हैं, नंबर 1, एक चुटकी चूना। दोस्तों, हमको पान वाला चूना लेना है, जिस चूने से पान तैयार होता है ना, वही वाला, जो हमें किसी भी पंसारी यानी कि पान वाले की दुकान से मिल जाएगा। और दूसरे नंबर पर नौसादर यानी कि फिटकरी। दोस्तों, ये भी आपको किसी भी पंसारी की दुकान से आसानी से एक या दो रुपए की मिल जाएगी। आपको ये ले लेनी है और हमें इसको कूट कर इसका पाउडर बना लेना है। अब इसके बाद हमें एक चुटकी चूना लेना है और एक चुटकी फिटकरी का पाउडर ले लेना है। इन दोनों को एक बॉल या कटोरी में एक साथ लेकर इसमें कुछ बूंदे साफ पानी की मिलाकर इसका एक पेस्ट तैयार कर लेना है। अब हमें किसी पतली स्टिक या माचिस की तीली के ऊपर रुई लगाकर इसको अच्छे से पेस्ट में घुमाना है ताकि पेस्ट इस पर अच्छी तरह से चिपक जाए। जब इस पर अच्छी तरह से पेस्ट लग जाए तो हमारे दांत में जहां भी कीड़ा लगा है वहां उसे अच्छी तरह से अप्लाई कर देना है, ताकि वो कीड़े के ऊपर पूरी तरह से, यहां तक कि कीड़े की जड़ों तक भी पहुंच जाए, तभी अच्छे से काम करेगा। ध्यान रखिए, यदि आपने बस ऊपर ऊपर ही लगा दिया और थोड़ा बहुत ही लगाकर हटा दिया तो ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। आपको इसे अच्छे पूरे प्रॉपर तरीके से दांतों पर लगाना है, जिससे कि आप इससे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकें। इसके बाद आपको अपने मुंह को थोड़ी देर के लिए खोल के रखना है। ऐसा इसलिए कि पेस्ट लगाने के बाद यदि आप अपना मुंह बंद कर लेते हैं तो या तो जीभ लगने के कारण या अपोजिट वाला दांत लगने के कारण वो पेस्ट हट जाता है और आपका ये नुस्खा काम नहीं करता। इसलिए आपको अपने मुंह को थोड़ी देर तक खोल के रखना है। दोस्तों, यदि आप ऐसा करते हैं तो एक या दो मिनट के अंदर आपके मुंह से लार निकलने लगती है, जिसके साथ साथ आपका कीड़ा भी बाहर निकल जाता है। दोस्तों, यदि पहली बार में आपका कीड़ा बाहर नहीं निकलता है तो कोई चिंता की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। आप दूसरी बार इसका इस्तेमाल करिए, उसमें डेफिनेटली 101% आपका कीड़ा बाहर निकल आता है। तो दोस्तों, आप या आपका कोई अपना दांत के कीड़े से परेशान है और खाना खाने में भी तकलीफ है तो हमारे बताए गए इस उपाय को एक बार जरूर करके देख लें, क्योंकि इसमें सिर्फ आपका एक या दो रुपया ही खर्च होगा और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए और अपने चाहने वालों के साथ शेयर कीजिए। हमारे ऐसे ही दूसरे हेल्दी वीडियोस देखने के लिए इस समय आपकी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे वीडियो पर अभी क्लिक करें।